नमस्कार दोस्तों, एनएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत, आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत हो। तो आज के वीडियो उन स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है LLB 3 ईयर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या जो है LLM के जो है कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। और आपको पता होगा कि एडमिशन दोनों जो है कोर्सेज के जो है प्रोसेस जो है चल रहे हैं। फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका है, फर्स्ट लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है आज जो है लास्ट डेट है, करवा रहे हैं। बहुत से बच्चे जो है सेलेक्ट भी हुए हैं और मेरे कई स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग जो है सेलेक्ट हुए। अब यहाँ क्वेश्चंस बच्चों की ये आ रहे हैं कि सर सेकंड कट ऑफ कहाँ तक जाएगा और सेकंड कट ऑफ का क्या जो है रैंक हो सकता है। मैं EWS में हूँ, मैं OBC में हूँ, मैं जनरल में हूँ, ये कहाँ तक जाएगा कट ऑफ, LLB हो चाहे LLM हो। तो मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। और एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के कि सर क्या थर्ड कट ऑफ भी आएगा, तो इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से और अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले मैं LLB वाले स्टूडेंट को बताऊंगा, इसके बाद आप लोग को जो लास्ट में होगा वो LLM वाले स्टूडेंट को बताऊंगा, ठीक। तो देख लीजिए, तो देखिए ये आप लोग का पहला क्वेश्चन यही है, आपको बता दिया पहले ही कि जो LLB सेकंड कट ऑफ जो है किस रैंक तक जा सकती है कैटेगरी वाइज। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या जो है थर्ड कट ऑफ भी आएगा इसके बारे में। तो आप जान लीजिए जो है आप लोग की जो है फर्स्ट कट ऑफ कहाँ तक गई थी, ठीक। पहले फर्स्ट कट ऑफ का आंकड़ा निकाल लीजिए, तो आप जो है सेकंड कट ऑफ में जो है एंट्री मारेंगे तब अच्छा रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए आपको बता दूं, सबसे पहले जो है टोटल सीट जो है 320 है आपके यूनिवर्सिटी में LLB स्टूडेंट के लिए जो 3 ईयर्स में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि सीट जब रहेगा कन्फर्म रहेगा तभी आपको जो है कट ऑफ के बारे में कुछ आंकड़ा लगेगा, कुछ जानकारी मिलेगी, ठीक। अब देखिए फर्स्ट कट ऑफ कहाँ तक गई थी, तो ये ओपन रैंक जो गई थी जनरल वाले सभी लोगों जो है इसमें जो है एडमिशन लेंगे तो 147 तक गई थी, आपको पता होगा। और OBC रैंक जो है 39 से लेकर के 119 तक गई थी, मतलब 119 तक गई थी। और EW स्टूडेंट के लिए जो है 21 से लेकर के 52 तक जो है गई थी। और ST के लिए जो है 13 से लेकर के 78 तक गई थी। और ST के लिए जो है 1 से लेकर के 7 तक, जो लोग जो है इसके बीच में होंगे, चाहे जैसे कि EWS में हो या ST में हो या ST में हो या OBC में हो या जनरल कैटेगरी में हो, तो उनका एडमिशन प्रेजेंट टाइम में हो गया होगा और आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिए होंगे और मुझसे जुड़े होंगे, तो आपको अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलता ही रहूँगा, ठीक। अब जानिए जो है सेकंड कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। तो सेकंड कट ऑफ देखिए 147 लोगों को लिया है, तो हो सके जो है अगली बार भी जो है 147 तक ले, तो 147 तक ले तो दोनों को मिला करके जो है कितना हो जाएगा, 294 हो जाएगा, ठीक। 294 स्टूडेंट, फिर भी यहाँ जो है कुछ स्टूडेंट 26 स्टूडेंट बचेंगे, तो यहाँ आपको पता चल चुकेगा कि अभी मैं बताऊंगा कि थर्ड कट ऑफ भी आ सकता है कि नहीं, ठीक। तो इतने स्टूडेंट कम से कम लेंगे, तो आपको बता दूं जो है जनरल कैटेगरी के जान लीजिए जो है 294 जो है रैंक तक, मतलब जो है 300 रैंक तक जो है सेकंड कट ऑफ जा सकता है। अगर 300 रैंक तक आप लोग का जो है जनरल में आप लोग आ रहे हैं तब आपका सिलेक्शन पक्का है, चांसेस है आपके पास चुका। अब आप लोग को बता दूं जो है थर्ड कट ऑफ भी आएगा कि नहीं। तो देखिए अगर ये 147 तक अगर यूनिवर्सिटी निकाल रही है, 147 तक गया ही था, तो 294 होगा, तब भी 26 जो है सीट बचेंगे, आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बताया भी था। तो थर्ड कट ऑफ भी आने की पूरी चांसेस है, ये 26 सीट कहाँ भरेगी यूनिवर्सिटी। तो थर्ड कट ऑफ जो है हर बार आता है, तो यहाँ आपकी बार भी जो है चांसेस है कि आए। अब देखते हैं सेकेंड कट ऑफ के बाद ही जो है चांसेस है कि 90% की जो है थर्ड कट ऑफ आप लोग की आएगी। और थर्ड कट ऑफ आप लोग जो है वेट कर लीजिएगा, जो है जब सेकंड कट ऑफ निकल जाएगी तो थर्ड कट ऑफ में मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग इतना रैंक है तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अभी थर्ड कट ऑफ के बारे में नहीं बताऊंगा यहाँ, ठीक। तो जितना भी जो है मैंने बताया इस हिसाब से आपका रैंक है, तो आप लोग रुके रहिए, बेफिक्र रहिए, आप अपलेटेड कॉलेज में ना जाइए, अभी आप लोग वेट कर लीजिए, बस 2-3 दिन और वेट करना है। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद सेकंड कट ऑफ पे भी, सेकंड अलॉटमेंट लेटर या सेकंड कट ऑफ पर ही जो है यूनिवर्सिटी जो है लेगी फैसला, ठीक। अब जान लीजिए जो है LLM स्टूडेंट के बारे में। तो अब LLB स्टूडेंट को जो है ये सारी चीजें पता चल चुकी, अब LLM स्टूडेंट के बारे में हम लोग जाने। LLM स्टूडेंट के लिए जो है उनका सेकंड कट ऑफ कब तक जाएगा, क्या थर्ड कट ऑफ उनका आएगा कि नहीं आएगा, ये भी जो है दो क्वेश्चन जो है बच्चों के मन में है और बहुत ज्यादा डाउट मेरे पास आ रहे हैं, क्यूरी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चे, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं जो है ये फर्स्ट कट ऑफ के बारे में, तभी जो है हम लोग जो है सेकंड कट ऑफ का आंकड़ा लगा सकते हैं, ठीक।
तो सबसे पहले आप लोग जानिए जो है सीट कितने हैं। तो टोटल सीट आप लोग के जो है कैंपस में जो है 60 सीट है, मतलब 60 सीट है LLM स्टूडेंट के लिए। अब इसमें जो है ओपन रैंक का जो है आप लोग का जो है फर्स्ट कट ऑफ में कहा था गया था 1 से लेकर के 29 तक गया था, ठीक। और OBC के स्टूडेंट का जो है 9 से लेकर के 23 तक गया था। मतलब जो है इसमें जो है थोड़ा बहुत जो है हार्ड है भाई, और क्योंकि सीट कम है तो थोड़ा हार्ड तो कट ऑफ जाएगा ही, थोड़ा जो है हार्ड जो है ये था ही। इसमें जो है आप लोग को ज़्यादा नंबर लेके आना ही था, आपको पहले ही मैंने जो है इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि यहाँ तक कट ऑफ जा सकते हैं, ठीक। अब देखिए EWS के तो 4 से लेकर के 9 तक गया था, इसके बीच में जो भी एक दो स्टूडेंट गए होंगे वो लोग होंगे। ST का गया था 1 से लेकर के 12 तक गया था, और ST का गया था सिर्फ एक, जिसका ST में जो है 1 नंबर था उन्हीं का जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट कट ऑफ में, और वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे होंगे क्योंकि आप लोग का जो है आज लास्ट डेट है 8 और 9। आप जानिए सेकंड कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, तो देखिए आपको आंकड़े के हिसाब से बता दूँ जो है यहाँ गया था तो 29 ये गया था, तो अब की बार हो सके जो है इसे 30 फिर ले तो 60, तो इसका थर्ड कट ऑफ आने की जो है थोड़ा कम चांसेस है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, मुझे तो लग रहा है कि जो है कम चांसेस है, लेकिन हो सके जो है आ सकता है अगर इसमें से कम लेगा। बाद अगर पूरे लोगों का लेगा तो ये आप लोग का हो जाएगा, लेकिन अगर इतने लोगों का लेगा तब भी 2 सीट बचेगी, तो थर्ड कट ऑफ यहाँ जो है चांसेस है, लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है, तो जानिए 50-50 है। तो जैसे ही सेकंड कट ऑफ आएगी उसके बाद मैं बताऊंगा कि थर्ड कट ऑफ आप लोग की आएगी कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं, पहले सेकंड कट ऑफ के बारे में जानिए। तो देखिए ओपन रैंक आप लोग के जो है 29 तक गया, 29 से लेकर के जो है 30 तक जो आप लोग के जो है 60 तक तो जाएगा ही जहाँ तक चांसेस है, या 58 तक जाएगा क्योंकि उतने रैंक तक है ही, उतने जो है आप लोग के सीट ही है। अब इसके बीच में जब जो बच्चे ना लेंगे तो वो हो सके जो है थर्ड कट ऑफ में जब उन्हें दिया जाए तो फिर उसमें सीट अलॉटमेंट हो जाए, जिनका जो है कट ऑफ आप लोग को बता दूँ जो है जिनके भी जिन भी स्टूडेंट का जो है 70 के अंदर है, मतलब 70 या जो है 80 के अंडर में है कट ऑफ उनका जो है 80 या जो है 70 जो है रैंक है, तो आप लोग रुके रहिएगा, हो सके जो है चांसेस बन जाएगा थर्ड कट ऑफ तक या सेकंड में ही हो जाए, ठीक। अब जानिए जो है OBC का, तो OBC का जो है 9 से लेकर के 23 तक गया था, तो अब जानिए जो है 23 से लेकर के 23 से लेकर के जो है आप लोगों का जो है जाएगा जो है 40 मतलब 40 से 45 तक, इसके बीच में जितने भी 2-4-6 लोग होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी और लोग जो है रुके रहेंगे, हो सके इनके बीच में जिनका रैंक हो OBC कैटेगरी का हो सके जो वो किसी अफिलेटेड कॉलेज में ले लिया हो या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ले लिया हो या एडमिशन ही ना लिया हो या चॉइस फिलिंग ही ना किया हो, तब आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक। अब जानिए जो है EWS के तो 4 से 9 तक गया था, तो अब की बात जो है चांसेस कि 9 से लेकर के जो है 20 तक जाएगा, तो इसके बीच में जो है जो भी स्टूडेंट जो है EWS के हैं तो वो लोग रुके रहे हैं, उनका जो है चांसेस है कि सेकंड कट ऑफ में हो जाएगा। अब देखिए SC का 1 से लेकर के 12 तक गया था, तो ये उन लोग के जो है चांसेस है कि 12 से लेकर के जो है अब की बार जो है 20 या 22 तक जो है 25 तक जो है जा सकता है, उसके बीच में आप लोग अगर हैं चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग तो उनका एडमिशन जो है चांसेस है कि 90% हो जाएगा, बाकी पूरी तरह 100% नहीं सेवर हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं बता सकता ना तो जो है कैंपस में कोई बता सकता है कि 100% यही जाएगा, अभी जब तक जो है रिलीज ना हो जाए उसमें भी बदलाव हो सकते हैं, जब तक जो है पोर्टल पे नहीं चढ़ता जब तक जो है कुछ ना कुछ इधर उधर होते रहते हैं, ठीक। जान चुके अब जानिए ST के स्टूडेंट, तो ST के स्टूडेंट जो है सेकंड कट ऑफ में जो है 1 सीट गई थी, फर्स्ट कट ऑफ में 1 सीट, तो ST के स्टूडेंट का जो है फर्स्ट कट ऑफ में 1 सीट गई थी, तो सेकंड में भी जो है 1 के चांसेस है कि हो सके 2-4-5 नंबर तक अगर आप लोग जो है रैंक है ST में तो आप लोग रुके रहिएगा, हो सके जो है चांसेस है कि हो जाएगा, ठीक। तो ये जानकारी आपको जो है समझ में आ गई होगी, अब थर्ड कट ऑफ लोग के लिए आप लोग वेट करिएगा, जब जाएगा कि नहीं जाएगा उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगर जानकारी पसंद आई होगी और मेरी मेहनत पसंद आई होगी क्योंकि तबीयत सही नहीं है फिर भी मैं आप लोग के जो है लिए लड़ रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ, और आप लोग के लिए ही जो है तबीयत खराब हुआ मेरा आप लोगों की वजह से ही, क्योंकि रात भर 2 बजे 4 बजे 3 बजे रात में कॉल लोग कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं, तो फिर वो समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं परेशान करिए, अभी आप लोग के पास जो है इस लाइफ में आगे बढ़ने का जो है सुनहरा मौका है, तो मैं आपके लिए टाइम दूंगा और हमेशा टाइम दूंगा, हालांकि यूट्यूबर से हट के हूँ। तो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, उन्हें भी बताइए कि यहाँ जो है अच्छी जानकारी मिलती है सही जानकारी मिलती है जो कि यहाँ जुड़ पाए वो लोग मुझसे बात कर पाए, बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे जो ज्वाइन हो, नहीं तो व्हाट्सएप करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अपनी जो है समस्या को वहाँ बताइएगा, नहीं तो कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं अगर ज़्यादा समस्या ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। जो है फर्स्ट अलॉटमेंट में हो गया, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और सेकंड के लिए वेट करें, उनका भी हो जाए। थैंक यू।